दो दिवसीय प्रवास पर कटनी पहुंचे प्रदेश के वाणिज्य कर वित्त योजना एवं सांख्यिकी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि महंगाई की मार सिर्फ प्रदेश नहीं अपितु पूरा देश और पूरा विश्व झेल रहा है। कोरोना संकट काल की वजह से समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में सरकार महंगाई नियंत्रण को लेकर जो प्रयास हो सकते हैं वो कर रही है। जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा का कटनी जिले में प्रथम आवागमन पर भाजपा जनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री से जब यह पूछा गया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार इन पर लगाए गए टैक्स में कमी क्यों नहीं करती, तो इसके जवाब में मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जनता के टैक्स से वसूले गए पैसों को जनता के विकास पर ही खर्च किया जाता है। वहीं कटनी प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात के दौरान कटनी के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने उनसे मुलाकात की। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशल कोविड केयर चिल्ड्रेन यूनिट, पर्याप्त ऑक्सीजन बेड, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था किए जाने सहित लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा बनवाई जा रही सड़कों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं की जांच करने की मांग की। आज यहां पर जिले के संगठन की बैठक भी रखी है, सभी लोगों से हमारे कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होगा, बातचीत होगी और कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों की एक बैठक भी होगी जिसमें परिचयात्मक बैठक होगी और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ जिले की समस्याओं के बारे में बातचीत होगी। तो आज मुझे लगता है कि केवल प्रथम दौरा है, संपर्क आज हमारा सबसे हो रहा है। हमारे सभी माननीय विधायक गण हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं संगठन के और हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बैठक होगी। जो भी सरकार टैक्स लेती है वो जनता के हित में ही लिए जाते हैं और टैक्स लेकर के जन कल्याणकारी योजनाओं में, विकास के कार्य में सरकार पैसा लगाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को कुछ कड़े निर्णय भी लेना पड़ते हैं जनता के हित में।